सर ऊपर देखिए सर, चलिए ग्रेट। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एनजीओ सपोर्ट ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है एंड ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा, जो कि एलजी सर ने लॉन्च किया है यहाँ पे। इनके कॉमन यूज़र फैसिलिटी जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर यहाँ पे बिजालता में 900 कैनाल्स जगह है, जहाँ पे ये कर रहे हैं कि इसमें से 33% ग्रीन एरिया को दिया जाए वापस, यू नो एज ए फॉरेस्टेशन। उसको हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव आज रखा है और सारे हमारे बहुत कह रहे हैं कि एमिनेंट सिटीजन्स यहाँ के जेएनके के जो सभी मेन डिपार्टमेंट्स में से सभी यहाँ पे एकत्रित हैं, इनका सबका मैं एनजीओ सपोर्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग एंड गिविंग अस प्लांट्स एंड बाकी योगदान सब इनका प्लांट का मिलकर। सो नाइक प्लीज़, जे एंड के ग्रीन ड्राइव एक इनिशिएटिव है जो जे एंड के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है और दो चार दिन पहले ये कल्मिनेट हुआ IIM में, जहाँ पे ऑनरेबल LG साहब ने इसको प्रेजाइड किया सारे फंक्शन को। तो उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए सारे डिपार्टमेंट्स अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। हमने भी अपने लेवल पे जुलाई में, मुझे लगता है CUF के जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, उनसे बात की हुई थी कि हम लोग एक प्लांटेशन ड्राइव करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस है और उसके बाद NGOs हैं बहुत सारी और बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, उन सब ने कॉपरेट किया। और आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की हुई है, होपफुली आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जो यहाँ पे इस फैसिलिटी के बनने की वजह से जो भी प्लांट्स कटे हुए हैं, उनको दोबारा से फॉरेस्टेशन के ज़रिए से इस एरिया को दोबारा से ग्रीन और क्लीन किया जाएगा, ये हम लोग होप करते हैं। और बस बाकी थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, आप आए और आपने ये इवेंट कवर किया, वेरी मच ऑल कंट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई विल स्पेशली थैंक सपोर्ट, देन आवर कंप्लीट पुलिस महकमा इज देयर, सपोर्ट फ्रॉम HPCL, आवर ऑल BPCL ऑफिशियल्स, आवर कॉन्ट्रेक्टर्स, एवरीबडी including our local support, yes, local sarpanches are also there, villagers are also there. On behalf of corporation, I welcome all in this green drive. Today we are planting almost 600 trees. This is the first stage, and further more we need to plant. लगभग हमारा इस साल का 5000 trees का हमारा लगभग टारगेट है जो हम पूरा करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली हम लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं साथ में ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं। सो दिस इज ए फॉरेस्टेशन। सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन हु हैव पार्टिसिपेट इन दिस नोबल काउज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज, मेरा नाम है रूट इंटरनेशनल से हूँ मैं, और मेरा ये मानना है कि पेड़ लगाओ और दुनिया बचाओ। अभी आप सब ने देखा है कि हिमाचल में कितना बुरा हाल हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ के पेड़ काट के लोगों ने एक कंक्रीट जंगल बना दिए थे। हाँ, मैं चाहें कि हमें जम्मू में ऐसा हो, JNK में ऐसा हो, हम भी यहाँ जैसे अभी उन्होंने इतना अच्छा ये डिसीजन लिया है कि 5000 पेड़ लगाएं, एटलीस्ट हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे तभी हम बचेंगे। धन्यवाद साथियों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से और इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम के, जैसे आपको पता है आज यहाँ पे एक मेगा ड्राइव होने वाली हो गई है और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट यहाँ किया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज हमारी HPCL की 50वीं वर्षगांठ है और
इस ओकेजन पे हमने ये पहले ही ऑर्गेनाइज किया था, तो देन आई टॉक टू प्रोजेक्ट इंचार्ज यहाँ पे, हमने कहा कि इनको सबको साथ मिलके करेंगे। इसके साथ साथ हमने रेन हार्वेस्टिंग का भी रखा है, वो भी हम आगे करते रहेंगे और जितना ऑयल कंपनी से होगा हम आगे भी इसमें काम करते रहेंगे। थैंक यू। मैं चाहूँगी जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स और जिन्होंने आज एहतमाम किया, जो कि एक बड़ा नोबल काज है, और ये फॉरेस्टेशन इसका जिस्ट अगर यही देखा जाए कि अगर कंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ना होते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्रेसिव एक मोड हो कि जिसमें तरक्की तो चाहिए लेकिन तरक्की फ्यूचर जनरेशन्स को मद्देनज़र रखते हुए जो ये एफॉरेस्टेशन ये जो ड्राइव आज हुआ ये काबिले तारीफ़ है सर। और इसमें हमारा एज आ पुलिस जो हम इसमें आप लोगों को देख रहे हैं और आपका इसमें पूरा जो कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप एक एन जी ओ का, आपके पेट्रोलियम जितने भी यहाँ पर भारत पेट्रोलियम और आपका कौन हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल तीनों का, और आप सबको भी सर मुबारकबाद है। और 50 ईयर्स का जो कम्पलीशन है उस पर इससे बड़ा तोहफा पूरे देश को नहीं मिल सकता है। थैंक यू सो मच। आज के इस मौके पे मैं जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इंडियन ऑयल्स, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से ये जो ग्रीन ड्राइव शुरू की गई है इसका धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ, और अपने इस इलाके की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैम, जिनके एनजीओज की तरफ से जो इनिशिएट लिया गया है हमारे इस इलाके को ग्रीन बनाने के लिए, ये इलाका पहले भी ग्रीन था लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबकी मदद से इसको पहले से ज़्यादा ग्रीन बनाया जाए ताकि हमारा वातावरण जो है वो बचा रहे। डेवलपमेंट के साथ साथ हमको इस सब चीज़ों का ध्यान खास तौर पर रखा जाना चाहिए। सो हम सब अपना अपना फ़र्ज निभाएंगे और ये जो प्लांटेशन की है ये सिर्फ फ़ोटो तक महदूद ना रखें, इसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। थैंक यू।